हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी ट्रेवल्स में। और आज मैं आपको ले चलूँगा पंच केदार यात्रा में, जो उत्तराखंड के सबसे 5 ऊंचे शिव मंदिरों में आते हैं। तो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित पंच केदार भगवान शिव को समर्पित 5 पवित्र जगह हैं। इन तीर्थ स्थलों में केदारनाथ, उगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर शामिल है। मान्यता यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव शिव से अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए यहाँ तप करने आए थे। तो ये मैंने पूरी जो यात्रा आपको पूरे 10 दिनों में मैंने डिवाइड करी है, तो इसमें डे बाय डे हम चलेंगे। तो सबसे पहला आता है पहला दिन। यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से होती है। ऋषिकेश से हमारी यात्रा केदारनाथ की ओर को जाती है, जो 5 प्रयागों से होते हुए गुजरती है। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग और गौरीकुंड पे यात्रा समाप्त होती है। गौरीकुंड पे हम होटल ले लेंगे। होटल लेने के बाद वहाँ पर हम स्टे करेंगे क्योंकि रात हो जाएगी। अब आता है दूसरा दिन। दूसरा दिन हमें सुबह जल्दी उठना है और केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू कर देनी है, जो कि 16 किलोमीटर की रहनी है। और आप रेनकोट और अपना ट्रैकिंग शूज ले जाना ना भूले। तो शाम होते होते आप केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। वहाँ आप आरती के मजे लीजिए और आरती करने के बाद आप वहाँ रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। वो जो आपको चार्जेस पड़ेंगे वहाँ, वो पड़ेंगे आपको 2500 से लेकर 3000 रुपए तक का। अब आता है हमारा तीसरा दिन। तीसरे दिन सुबह हमें केदारनाथ के दर्शन करने हैं और वहाँ पर आप इधर उधर वादियों के मजे ले सकते हैं। और उसके पीछे एक झील पड़ती है, आप जाना चाहें तो आप झील में भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको वापस गौरीकुंड की ओर को आ जाना है। गौरीकुंड आते आते आपको शाम हो जाएगी, तो आपको उसके बाद ओखी मठ के लिए रवाना होना है। अब हमारी यात्रा स्टार्ट होती है केदार मध्य महेश्वर की ओर को, जो रुद्रप्रयाग से 43 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और ओखी मठ में अगर आपको शाम हो जाती है तो आप वहीं होटल ले लेना, वरना अगर शाम नहीं हुई है तो 20 किलोमीटर का एक रास्ता रांची की ओर को कटता है, आप वहाँ भी होटल ले सकते। 300 से लेकर 800 के बीच में आपको वहाँ होटल मिल जाएंगे। रांची वही जगह है जहाँ से हमारी पैदल यात्रा आरंभ होगी, तो आपको यहीं अपनी रात्रि बितानी है और मध्य महेश्वर की ओर को दूसरे दिन के लिए प्रस्थान करना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि रांची में जो आपको खाने की जो प्लेट मिलेगी वो आपको 80 से लेकर 100 रुपए की मिलेगी, जिसमें सिंपल दाल भात सब्जी रोटी आपको मिल जाएगी। चौथा दिन, यात्रा के लिए सुबह तैयार हो जाइए जल्दी उठकर और उससे अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी भारी सामान मत ले जाइए, अपना सिर्फ एक पिट्ठू बैग अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि ये रास्ता 16 किलोमीटर का बहुत ही दुर्गम रास्ता है। पैदल ट्रैक अगर आपसे नहीं करा जाता है तो आप 2500 का घोड़ा भी ले सकते हैं, जो आपको ऊपर मध्य महेश्वर मंदिर छोड़ देगा। अगर आप सुबह अपनी जल्दी यात्रा स्टार्ट लेते हैं तो आप 7 से 8 घंटे में अपनी पूरी यात्रा कर लेंगे। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है तो खाने की क्या क्या व्यवस्था है। तो जब आप यहाँ से जाते हैं तो आप अलग अलग गांव से होते हुए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको चाय बिस्कुट रास्ते में मिल जाएंगे और रुकने की भी व्यवस्था है अगर आप कहीं थक जाते हैं, जो चार्जेस आप 300 से लेकर 400 रुपए पड़ जाएगा। यहाँ के लोग बहुत पोलाइटली नेचर के होते हैं। मध्य महेश्वर मंदिर में आरती का टाइम जो है वो है शाम को 6 बजे और सुबह के 6 बजे। तो जैसे आप अगर पहुंच जाते हैं मध्य महेश्वर, तो आप उसके अगल बगल रेस्ट हाउस भी हैं और या अपना टेंट लगा भी सकते हैं। बस मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपना टेंट गांव के नजदीक ही लगाएं। अब आता है हमारा पांचवा दिन। सुबह हमें जल्दी उठना है और ओखी मठ की ओर को निकल जाना है। ओखी मठ पहुंचने के बाद हमें वहां से निकलना है चोपता की ओर को। अगर चोपता की ओर को जा रहे हैं तो हम अब जा रहे हैं तुंगनाथ की ओर को। तुंगनाथ पंच केदार में तीसरा मंदिर आता है। तुंगनाथ जाने के लिए आपको जो यात्रा करनी है वो करनी है चोपता की ओर को। तो चोपता पहुंचने के बाद आप वहां पर होटल ले सकते हैं, जिसके चार्जेस आप 600, 800, 1000 रुपए के आपको कमरे पड़ जाएंगे। तो आप यहां पर रुकिए और रात यहीं बिताइए। सुबह उठते ही आप अपनी ट्रैकिंग तुंगनाथ के लिए स्टार्ट कर दीजिए। ये सबसे कम ट्रैकिंग होने वाली है, जो सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की पड़ेगी। बस इसमें जो चढ़ाई है वो बहुत ऊंची है, तो इससे जल्दी थकान लग जाती है और मुश्किल से ये 4 से 5 घंटे में आपकी पूरी ट्रैकिंग हो जाती है। यहाँ भी रास्ते में खाने की व्यवस्था आपको पूरी मिलेगी और आप तुंगनाथ जा पहुंच जाइए। वहां आप मंदिर के दर्शन कीजिए और वापस चोपता आ जाइए और अपने होटल में रुक के रात बिताइए। अब आता है हमारा सातवां दिन। सातवां दिन आपको क्या करना है, आपको चोपता से निकलना है गोपेश्वर की ओर को, जो 90 किलोमीटर की दूरी पे है। गोपेश्वर में होटल मिल जाएंगे, 3-4 घंटे में आप गोपेश्वर पहुंच जाएंगे, तो आप 11-12 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब गोपेश्वर जैसे आप पहुंचते तो आपको वहां स्टे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां स्टे करने से अच्छा आप निकल जाइए सुगर की ओर को। सुगर एक जगह पड़ती है जहां से हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है रुद्रनाथ मंदिर की ओर को। यह यात्रा बहुत दुर्गम होने वाली है क्योंकि यह 18 किलोमीटर का सबसे बड़ा ट्रैक है। इसमें आपको सुगर से 5 किलोमीटर जैसे आप पार कर लेंगे तो आपको पड़ेगा पुंग बुनियाल। पुंग बुनियाल जैसे आपको पड़ेगा वहां आपको खाने की व्यवस्था मिल जाएगी और रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आप थक गए हैं तो आप वहां रुक भी सकते हैं, 300 से लेकर 400 में आपको कमरे मिल जाएंगे। 8-9 होटल और स्टे हाउसेस वहां पर है, या आप अपना टेंट भी लगा सकते। उसके बाद आता है हमारा आठवां दिन। आठवां दिन हमें सुबह उठना है और अपनी यात्रा पन्नार से होते हुए जो पितृधारा जाएगी, फिर पंचगंगा की ओर को जाएगी, तो वहां से आपको रुद्रनाथ आप महादेव मंदिर पहुंच जाएंगे। रुद्रनाथ मंदिर के आसपास भी आपके होटल हैं, आप वहां पर स्टे कर सकते हैं, जो आपको पड़ेंगे 400 से लेकर 500 तक का।
तो उसके बाद हमारा आता है नौवा दिन। नौवा दिन हमें सुबह जल्दी उठना है और अपनी यात्रा गोपेश्वर की ओर के लिए आरंभ कर देनी है। गोपेश्वर में पहुंचकर हमें यहाँ पर रात गुजारनी है और फिर से हमें सुबह 5 बजे कल्पेश्वर महादेव मंदिर की ओर को निकल जाना है, जो कि हमें चमोली जैसे आप पहुंचेंगे तो वहां से 2 रोड कटेंगी, एक रोड बद्रीनाथ को जा रही होगी, एक रोड कल्पेश्वर मंदिर की ओर को जाएगी। वहां से आपको कल्पेश्वर वाला रास्ता लेना है और आप पहुंच जाएंगे हेलांग। हेलांग जगह है जहां से आपकी पैदल यात्रा कल्पेश्वर मंदिर के लिए स्टार्ट होती है। बस ये 3 किलोमीटर का रास्ता है तो आपको 2-2.5 घंटे में आप इसे कवर कर लेंगे। कल्पेश्वर मंदिर आप पहुंचिए, वहां से आशीर्वाद मांगिए और आप बहुत लगी हैं कि आपने 5 केदार के दर्शन पूरे कर लिए हैं।